नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है साबुन का भी गठबंधन होता है? दूल्हा दुल्हन का तो गठबंधन सभी ने देखा होगा, लेकिन साबुन का भी सब देखते हैं मगर समझ नहीं पाते। साबुन अपने ढंग से गठबंधन करता है। साबुन पुरानी साबुन को नई साबुन के साथ जोड़ा जाता है। जो छोटी सी साबुन की टुकड़ी रह जाती है उसको उसके साथ जोड़कर उसका गठबंधन करते हैं। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि पुरानी साबुन आपको समझ चुकी है और नई साबुन उससे जुड़ेगी तो आपको समझ पाएगी। गठबंधन के कई तरीके हैं। कुछ लोग साबुन की बचत करते हैं, छोटी सी टुकड़ी बचने के बाद भी उसका पूरा सदुपयोग करते हैं ताकि साबुन बर्बाद ना हो। साबुन अपने में एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए ढंग से जुड़ता है, गठबंधन करता है, इससे खर्च भी कम होता है। साबुन का गठबंधन के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय हैं। साबुन एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बनाकर एक नया रूप नया रंग देता रहा है। साबुनों का गठबंधन आदिकाल से चला आ रहा है। हर युग में साबुन एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता रहा है। साबुन को जोड़ने से साबुन में एक नया आयाम आता है, साबुन एक नया रंग देता है और साबुन जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो खर्च भी कम होता है। साबुन की बचत के लिए लोग साबुन का गठबंधन करते हैं। गठबंधन हमेशा कभी कभी फ़ायदे में भी रहता है। साबुन को साबुन समझकर लोग अच्छे ढंग से उससे अपने हाथ पैर स्नान आदि करते हैं। साबुन सदियों से अलग अलग रूप में आपके सामने आता रहा है। साबुन को समझना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। साबुन जब भी एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो मजबूती से जुड़कर साबुन को एक नया आयाम देता रहता है। साबुन के गठबंधन के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर लिखें। हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद आप।